वेल, बजट 2023 पेश हो चुका है और किस तरीके की सरकार की जो पॉलिसी है उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री जी श्री महेंद्रनाथ पांडे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सरकार की तरफ से बड़ा बजट अनाउंस हुआ, पहले तो सर आपकी प्रतिक्रिया, क्या खास बातें हैं जो इस बजट के माध्यम से सरकार ने कही है? देखिए, ये बजट में सभी वर्गों को दिल से छुआ गया है, वंचितों को समर्पित ये बजट है और मध्यम वर्ग और युवा और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी ध्यान रखा गया है। साथ में यह बजट भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाला है। भारत के जितने उपेक्षित एरिया थे जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, मत्स्य संपदा, कोस्टल एरिया और ग्रीन, एक एजुटेशन ग्रीन मूवमेंट, इन सब पर इस बजट में बहुत बल दिया गया है। ये भारत में अमृत काल का बहुत ही क्रांतिकारी और भारत को दुनिया में विकसित देश बनाने का बिल्कुल शानदार रोड मैप का बजट है। रोड मैप तैयार हो गया, अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। सर, आपकी मंत्रालय की तरफ से अगर हम देखेंगे, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, बैटरी की बात हुई, स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन सब पर इस सेक्टर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होगी ये जो डेवलपमेंट? बहुत ही ग्रीन एनर्जी के फील्ड में और ईवी मूवमेंट को बहुत इसमें बढ़ावा दिया गया है और अभी एक तो हाइड्रोजन मिशन, जो भी प्रकारांतर से हमारे ग्रीन एनर्जी के मूवमेंट को, जिसका हमारा मंत्रालय भी उससे कंसर्न है, उसको एक अलग फोकस किया गया है और हमारे फेम योजना जो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए है उसमें तो शानदार उछाल लाया गया है। हमारा ई मोबिलिटी का पिछला बजट 2022-23 का 2908 करोड़ था, आज जबरदस्त दोगुना से उछाल उसमें किया गया और 5172 करोड़ रुपए उसमें प्रावधान किए गए हैं ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना में, और इसके जो कि 43.7% इंक्रीज हुआ हमारा बजट। इसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट का टोटल बजट ही 6145 करोड़, ये अलग से पूरा सपोर्टिंग बजट दिया गया है। कैपिटल गुड स्कीम जो पार्ट सेकेंड है, उसमें भी पिछले साल अभी 200 करोड़ रुपए पिछले बजट में प्रावधानित था, इस बार उसको बढ़ा के 250 करोड़ रुपया किया गया। कुल मिलाकर के ईवी मूवमेंट को और इसके साथ साथ जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ की गई है ईवी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, लिथेनियम बैटरी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है और उसका कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, तो निश्चित तौर से आज बैटरी से चलने वाली गाड़ियां स्वाभाविक रूप से सस्ती होंगी, तो ये हमारे डिपार्टमेंट के इस अभियान को और गति मिलेगी और देश के नागरिकों की, युवाओं की, बेटियों की, महिलाओं की जो नई आकांक्षा है ईवी व्हीकल्स की, उसको सहूलियतें एक तरफ फेम की सपोर्ट से और एक तरफ उस कस्टम ड्यूटी कम होने से लिथियम बैटरी से दामों को सस्ता। आखिरी सवाल, क्योंकि सरकार ने रिप्लेसमेंट व्हीकल स्क्रैपेज की तरफ भी बहुत अच्छा फोकस दिया क्योंकि डिमांड उससे जनरेट होगी, तो ऑटो सेक्टर के लिए जो ये साल लग रहा है वो कितना अहम होगा और ये जो अनाउंसमेंट है उसका क्या मतलब? में जो लोगों को, उनको लोहे लक्कड़ का दाम मिलता था, जब स्क्रैपिंग के लिए इतना बड़ा बजटरी सपोर्ट दिया गया है तो लोग 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उसको स्क्रैप करा के, उन्हें लगेगा कि हमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, हमें इसको स्क्रैप करने से नई गाड़ी लेने में सहूलियत होगी। तो एक तरफ हमको ईवी हरित ऊर्जा और ई मोबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन मिशन बढ़ेगा और दूसरी तरफ प्रदूषण मुक्त एक वातावरण देश में बनेगा और तीसरे तरफ मैन्युफैक्चरिंग जब वो स्क्रैप हो जाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, तो इससे कई कई चीजें एड्रेस हो जाएगी। तो ओवरऑल सर बहुत बहुत बधाई आपने, धन्यवाद। इस बजट को इंडस्ट्री का तो कह रहा है कि बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत प्रोग्रेसिव बजट है, फ्यूचर की तरफ ये हमें एक रोड मैप देता है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, बहुत